प्यारे बच्चों, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अगर आपसे कोई कह दे भैया मल्टीप्लाई करिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कैसे करेंगे, तो लेकिन प्यारे बच्चों हमें कुछ बात ध्यान रखनी। पहली बात कि भैया अगर आप लोगों को स्कूल का 2 का 3 मल्टीप्लाई करके क्या आता था, हमारा बेसिकली 6 आता था कि नहीं? बिल्कुल आता था। हम लोग क्या करते थे प्यारे बच्चों कि भैया हम लोग फॉरवर्ड क्या करते थे, हम लोग टेबल पढ़ के मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन प्यारे बच्चों जब हमारा बात आ जाएगा भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान। देखिए पहली बात हमें कुछ टर्म ध्यान रखनी है। अब बताइए, हमने बताया था कि भैया मोनोनोमियल क्या होता है, बताइए आप लोग। मोनोनोमियल मतलब भैया आपका बेसिकली वन टर्म। बाइनोमियल मतलब क्या होता था, बाइनोमियल मतलब भैया आपका 2 टर्म होता था कि नहीं? बिल्कुल होता था। उसी प्रकार आपका ट्राइनोमियल होता था, बताइए कितना टर्म होता था ट्राइनोमियल में? ट्राइनोमियल में आपका बेसिकली 3 टर्म होता था। और हमारा इसके बाद पॉलीनोमियल आता था भैया, पॉलीनोमियल में आपका कितने बहुत सारे टर्म होते थे। तो प्यारे बच्चों हमारे पॉलीनोमियल में मेनी टर्म होते थे। तो प्यारे बच्चों हमें बस यही बात ध्यान रखना कि मोनोनोमियल में हमारा 1 टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, उसी प्रकार पॉलीनोमियल भैया मेनी टर्म होते थे। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते समय ये बात का हमें ध्यान रखना कि भैया हमारा जो मोनोनोमियल रहेगा उसका अगर हम बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। अच्छा प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे 2 का अगर हमें दिया रहता था कि भैया 3 + 2 मल्टीप्लाई करते थे, क्या हम लोग दोनों करते थे ना? यानी पहले 2 का 3 में करते थे, फिर क्या करते थे 2 का 2 में करते थे कि नहीं? यानी भैया 2 का इसमें भी और इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई करते थे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे। अभी हम लोग इसको समझेंगे। और प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए आपको दे दिया सर, चलिए पहला हम लोग करते हैं ए का, आप लोग बी में मल्टीप्लाई करिए। ये दोनों क्या है, मोनोनोमियल, तो भैया क्या हो जाएगा ए भी आ जाएगा। ये नहीं होगा कि ए प्लस भी तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि भैया जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों आपस में एक साथ आ जाएंगे, ठीक है? इस बात का हमें ध्यान रखना है। वैसे भी तो भैया ए डॉट बी से लिख सकते हैं, डॉट मतलब भी तो मल्टीप्लाई होता है। जिन बच्चों को नहीं पता तो आप लोग समझ लीजिए कि डॉट मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। इससे हम लोग ए भी लिखे या ए डॉट भी लिखे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर ए का आप लोग बी सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है आप लोग, हाँ ए बी सी आ जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर हमें ए का आप लोग मल्टीप्लाई करना है 3 + ab में मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे, हाँ देखिए अब हमें करना भैया a का पहले 3 में, तो यानी 3 × a होगा b, इसमें हमारा प्लस साइन लगाएंगे, हम लोग साइन हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है? प्लस और हम लोग a का ab मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया a × ab आ गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं भैया कि a हमारा क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो प्यारे बच्चों जब भी हमारा 2 बार आता है तो हम लोग पढ़ा था कि नहीं a × a मल्टीप्लाई करके क्या आता है, a² आता था कि नहीं? कैसे, a हमारा 2 बार है तो हमने उसको पावर लगा दी। तो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आपका 3a तो आएगा ही आएगा, यहाँ से क्या होगा, तो आप लोग a² b आ जाएगा, समझे? ठीक, अभी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। अभी हम लोग और सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप लोग मान लें 4th वाला आपको दे दिया कि भैया आप लोग ए बी का किसमें मल्टीप्लाई करिए, ए प्लस बी मल्टीप्लाई करिए, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ए बी का हम लोग पहले ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ए बी का बी मल्टीप्लाई करिए प्लस ए बी इंटू बी, तो कुल मिला जुला का प्यारे बच्चों कैसे होगा कि भैया ए बी इंटू ए क्या होगा, ए आपका 2 बार यानी a² b हो गया, प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पर भैया आपका b 2 बार है यानी ab² हो गया। तो कुल मिला जुला कर हमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि भैया हम देख रहे हैं कि भैया अगर हमारे सेम टर्म सॉरी अगर हमारे प्यारे बच्चों अगर सेम वेरिएबल है तभी आपकी पावर बढ़ रही है, ठीक है? सेम वेरिएबल है तभी आपकी क्या रहा है, पावर बढ़ रही है, नहीं हो रहा तो नहीं बढ़ रहा। चलिए एक आप लोग करिए, आपको मान लीजिए एक्स वाई दे दिया और वाई प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करना, करिए आप लोग क्या हो, बताइए आप लोग, हाँ ये तो भैया हमारा इसी तरीके से यानी एक्स वाई का इसमें एक बार और एक्स में एक बार एक्स वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई इंटू सॉरी यहाँ पर वाई है ना, तो वाई इंटू एक्स, तो इसका हमारा क्या होगा x² आ जाएगा, प्लस इसका क्या होगा x²y आ गया। तो प्यारे बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है कि भैया हमारा अगर सेम वेरिएबल यानी भैया x हमारा 2 बार है तो x² है, अगर x हमारा मान लीजिए 5 बार है तो क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, हाँ x हमारा 5 बार है तो हम लिख देंगे x^5। उसी प्रकार x मान लीजिए आपका 10 बार है तो हम लिख देंगे x^10। अगर y की भी बात यही लागू, y की पावर अगर मान लीजिए y आपका 10 बार है तो y^10। तो कुल मिला जुला कर जितनी बार हमारा y रहेगा हो जाएगा। उस प्रकार पता चलेगा पहले 2 से x में मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 2x होगा, 5 का x में मल्टीप्लाई करिए 5x होगा, यानी भैया हमारा जो उतने टाइम्स हो जाएगा, कह सकते हैं कि उतने टाइम्स हो जाएगा। यानी पहले जो आपको क्वेश्चन आ गया 2y दे दिया, आपको किसमें मल्टीप्लाई करना है x y + 10 में मल्टीप्लाई करना, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है कि भैया 2y है तो 2y इंटू एक्स वाई प्लस 2y इंटू 10,
तो भैया हमारा 2y, तो भैया देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x वाई स्क्वायर या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि भैया y हमारा 2 बार है, प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा 10, हम मैंने पढ़ा ना 5 इंटू, हमें अगर x करते 5x हो जाता है, तो भैया 2y × 10 करेंगे तो हमारा 10 क्या 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ जाएगा 20y हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो बस इसी तरह हमें करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूँगा। अगर प्यारे बच्चों कोई आपको दे दिया ए बी दे दिया और दे दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए बी का मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, पहले हम ए बी का एक्स में करेंगे, यानी ए बी एक्स हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, और उसी प्रकार जब वाई में करेंगे तो ए बी और हमारा वाई आ जाएगी, ए बी वाई आ जाएगा, प्लस प्यारे बच्चों ए बी का जेड में करिए तो क्या होगा, ए बी जेड हो जाएगा। अब उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा इसमें लास्ट में करेंगे क्या होगा, ए बी इंटू ए बी, यानी भैया ए बी हमारा 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी हमारा 2 बार है तो प्यारे बच्चों बी भी हमारा 2 बार हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर, तो कुल मिला जाएगा ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। चलिए आप लोग कुछ क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क में, तो करके बताइए जो क्वेश्चन है आप पूछ लीजिएगा। तो जैसे हमारे प्यारे बच्चों मान लेते ए बी व ए बी सी दे दिया, किसमें मल्टीप्लाई करना है, ए बी प्लस बी सी में करना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि भैया आपको ए बी सी का मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड में करना है, ठीक है। और थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि भैया ए बी वाई है, आपका किस में करना है, वाई वाई ए बी में करना है। तो इसमें करके बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगर प्यारे बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो अब हम एक्सरसाइज वाली सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि और अच्छे समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन जरूर करा करिए, उससे आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।